वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा। विश यू वेरी वेरी हैप्पी हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। वेल, न्यू ईयर पर हम सबका एक रेजोल्यूशन तो बहुत कॉमन होता है और वो रेजोल्यूशन है वेट लॉस का, परफेक्ट बॉडी पाने का, फिट रहने का। जी हाँ, नया साल आते ही हम पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपना डाइट प्लान सेट करते हैं, अपना एक्सरसाइज रूटीन तो सेट करते हैं, लेकिन जैसे ही न्यू ईयर का एक हफ्ता खत्म होता है ना, हमारे सारे प्लान्स की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। हम फिर से पुराने अपने रूटीन पर आ जाते हैं और फॉलो नहीं कर पाते अपने डाइट प्लान को, अपने एक्सरसाइज प्लान को। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अनरियलिस्टिक टारगेट्स सेट कर देते हैं और इलॉजिकल प्लान्स बना देते हैं जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। 2 घंटे एक्सरसाइज का प्लान बनाते हैं पर निकल नहीं पाता है टाइम। साथ ही साथ डाइट इतनी स्ट्रिक्ट हम लेना शुरू कर देते हैं कि 4 हफ्तों में ही हमारी क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आपके वेट लॉस रेजोल्यूशन के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा डाइट प्लान, एक ऐसा हेल्दी मील प्लान, जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो 1 महीने में 7 से 8 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हो। जी हाँ, बहुत ही सिंपल मील प्लान है और इस डाइट प्लान को आप महीनों तक फॉलो कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स भी नहीं होंगी और आप इजीली अपने वेट लॉस टारगेट को अचीव कर पाओगे, अपने रेजोल्यूशन को कंप्लीट कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, थम्सअप का बटन अगर अभी तक नहीं दबाया है तो अब तो दबा दो। इसी से मुझे मिलेगी ढेर सारी इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की। और अगर आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है वीडियो को तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वेल, सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की। वेट लॉस के लिए मॉर्निंग में नींबू पानी पीने की सलाह तो आपको सब देते हैं, लेकिन ये वाला नींबू पानी आपके लिए काफ़ी नहीं है। नींबू पानी के साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड करनी है। जी हाँ, नींबू का ये छिलका जिसका हम गचुंबर निकाल चुके हैं, इसका हम यूज़ करने वाले हैं मॉर्निंग ड्रिंक में, और साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए देख लीजिए ये मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको लेना है 200 से 250 मिलीलीटर पानी एक पैन में। उसमें आपने डाल देना है 1/2 चम्मच जीरा एंड साथ ही साथ ये जो नींबू हमने निचोड़ा था उसका छिलका भी काट काट के डाल देना है। इसको उबालना है आपने 3 से 4 मिनट के लिए और उसके बाद आपने गैस बंद कर देना है एंड ये जो नींबू का रस हमने निकाला था इसमें ये पानी ऐड कर देना है छान करके, और ये आपका मॉर्निंग ड्रिंक रेडी हो गया। अगर आप हनी लेना चाहते हैं तो हनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं 1/2 चम्मच। डायबिटिक है तो हनी ऐड नहीं करेंगे। ये जो मॉर्निंग ड्रिंक है ये आपके नॉर्मल नींबू पानी से 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है आपके वेट लॉस के लिए, आपके शरीर में एनर्जी भरने के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, क्योंकि नींबू के छिलके में नींबू से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। साथ ही साथ जो जीरा हमने ऐड किया है वो आपके डाइजेशन को स्पीड अप करेगा और इसका टेस्ट भी बहुत बहुत अच्छा होता है। अब बढ़ते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, इसलिए ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। आप क्या क्या ले सकते हो अपने ब्रेकफास्ट में, वो ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ। आप ले सकते हो 2 इडली, साथ में नारियल की चटनी ले सकते हो, या आप उपमा ले सकते हो, खूब सारी वेजिटेबल्स उपमा में डाल के ले सकते हो, या फिर आप दूध के साथ ओट्स ले सकते हो या ओट्स दलिया खा सकते हो, या फिर आप एक रोटी और थोड़ी सब्जी ले सकते हो, सीजनल वेजिटेबल ले सकते हो, या फिर आप पराठे के शौकीन हैं अगर तो आप एक पराठा खा सकते हो, लेकिन पराठे में ऑयल नहीं होना चाहिए, स्टफ़ पराठा आप खा सकते हो दही के साथ। इसके अलावा आप स्प्राउट्स भी ले सकते हो। तो बहुत सारी चॉइसेस हैं ब्रेकफास्ट की। पोर्शंस का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि खा तो आप दलिया रहे हो या फिर पोहा रहे हो और आपने प्लेट जो है वो बड़े वाली पूरी तरह से ऊपर तक भर ली है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज चली जाएंगी। तो इसीलिए आपको पोर्शन का ध्यान रखना है। खाने के लिए बड़ी फुल प्लेट ना यूज़ करके अगर आप मीडियम प्लेट यूज़ करेंगे तो आप माइंड को डिच कर सकते हैं, क्योंकि छोटी प्लेट में थोड़ा खाना भी ज़्यादा लगता है और बड़ी प्लेट में उतना ही खाना बहुत कम दिखता है। आप देख सकते हो मैंने कॉर्नफ्लेक्स डाले हैं दोनों प्लेट्स में, बड़ी में वो कितने कम लग रहे हैं और छोटी में ज़्यादा लग रहे हैं, जबकि दोनों में सेम क्वांटिटी मैंने डाली है। तो हमेशा स्मॉल पोर्शंस में खाएं, माइंड को डिच करें, इससे उसे लगेगा कि हाँ बहुत कुछ खा लिया है। और साथ ही साथ 1 चम्मच ऑयल से ज़्यादा आपने नहीं यूज़ करना है ब्रेकफास्ट में, चाहे आप पोहा बना रहे हो, उपमा बना रहे हो, दलिया बना रहे हो, घी या ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है। वेल, वेट लॉस इज 80% डाइट एंड 20% एक्सरसाइज।
लोग घंटों घंटों जिम में बिताते हैं पतले होने के लिए, लेकिन अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं करते हैं, या फिर डाइट बहुत ज़्यादा या तो हैवी ले लेते हैं या फिर अपने आप को अंडर नरिश्ड रखते हैं, जिसकी वजह से वेट दोबारा गेन होने की आशंका रहती है या फिर उनका जो लीन मसल वेट है वो भी डिक्रीज होने लगता है। तो इसीलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत बहुत ज़्यादा है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। प्रोटीन आपके मेटाबॉलिक रेट को हाई करता है, साथ ही साथ प्रोटीन आपकी क्रेविंग्स को भी रिड्यूस करता है, आपके शरीर को एनर्जी से भर देता है। इसीलिए वेट लॉस के लिए प्रोटीन रिच डाइट खाने की सलाह दी जाती है। कार्ब्स को रिड्यूस करना है, हमारे शरीर को डेली बेसिस पर 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन जो डाइट हम लेते हैं ना उससे हमें 20-25 ग्राम ही प्रोटीन मिल पाता है। इसीलिए हमारी बॉडी प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाती है और हमारा वेट भी बढ़ता है जिसकी वजह से, और अगर आप वेट लूज करने की कोशिश भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है और क्रेविंग्स बढ़ती हैं। इसलिए प्रोटीन को आपको सप्लीमेंट के रूप में ज़रूर लेना चाहिए अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो। अगर प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात करें तो मार्केट में जितने भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं सब मेल बॉडी को ध्यान में रख कर के बनाए गए हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, फीमेल्स अगर उन्हें लेना शुरू करती हैं तो उनकी बॉडी जो है वो मैस्कुलिन होती चली जाती है। अब मेल और फीमेल बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरत है एक ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट जो कि हमारी बॉडी को ध्यान में रख करके बनाया गया हो। ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स इंडिया का पहला वो प्रोटीन पाउडर है जो कि विमेन की बॉडी की नीड्स को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो इसे अगर आप लेते हो तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में वो मैस्कुलिन इफेक्ट भी नहीं आता है, और इसमें बहुत सारी हर्ब्स भी ऐड की गई हैं जो कि आपके मेटाबॉलिक रेट को हाई करती हैं, जो कि आपके हेयर आपकी स्किन को इम्प्रूव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें है शतावरी जो कि विमेन हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है, इसमें है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज जो कि ओमेगा 6 ओमेगा 3 का रिच सोर्स है, इसमें है तुलसी जो कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, साथ ही साथ करक्यूमिन है जो कि एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है। अब अगर इसके मेन वर्जन की बात करें तो उसमें इन्होंने अश्वगंधा और ब्राह्मी वगैरह ऐड किया है जो कि मेल हॉर्मोन्स को इम्प्रूव करते हैं। इसी तरीके से इसमें मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए है गुडुची ग्रीन टी एंड सिनेमन। मेटाबॉलिक रेट हाई होता है तो डेफिनेटली हमारा फैट जल्दी से बर्न होता है, एंड स्किन एंड हेयर की हेल्थ को सुधारने के लिए इसमें ऐड किया गया है बायोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी एंड बी विटामिन्स। इसके एक स्कूप से आपको मिल जाता है 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 5.5 ग्राम BCAA, 0% शुगर है इसमें, बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं किया गया है, एंड ग्लूटेन फ्री है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ दिस इज अ सोया फ्री प्रोटीन। मोस्टली प्रोटीन पाउडर में सोया पाउडर ऐड कर दिया जाता है जो कि लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप सोया यूज़ करते हो तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होने का खतरा रहता है, लेकिन ये सोया फ्री प्रोडक्ट है। इसमें है कोल्ड प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा फिल्टर्ड वे प्रोटीन। तो अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हो और अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट आपको चाहिए तो ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब से बेहतर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हम लेडीज़ की बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने बनाया है। इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको लेना है एक टम्बलर या शेकर इस तरह से, 200 ml वाटर या फिर मिल्क आपको लेना है, और उसमें आपने एक स्कूप ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स पाउडर मिला देना है। चॉकलेट फ्लेवर में आता है ये एंड बहुत टेस्टी लगता है, और इस तरीके से आपको ये शेक कर लेना है एंड आपका प्रोटीन सप्लीमेंट रेडी है। आपने इसे मिड डे मील की तरह से लेना है, यानी 11-12 बजे के करीब लेना है दोपहर को। अगर आप ऑफिस जाते हो और इसे कैरी करना नहीं चाहते हो तो आप शाम को 5-6 बजे इसे पी सकते हो, जब आप ऑफिस से आओ तब इसे एज एन एनर्जी ड्रिंक आप पी सकते हो। तो ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स पाउडर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे अपने लिए खरीद सकते हो और अपने वेट लॉस टारगेट को अचीव कर सकते हो। अब बात करते हैं लंच की। लंच से 15 मिनट पहले आपको एक प्लेट सैलेड खानी है। सैलेड में आप क्यूकम्बर, बीट रूट, टमाटोज ये सब ले सकते हो। एक प्लेट सैलेड ज़रूर खानी है लंच से 15 मिनट पहले, बिकॉज इससे आपकी क्रेविंग्स रिड्यूस होंगी, फाइबर अंदर जाएगा तो आप कार्ब्स कम कंज्यूम करोगे लंच में, और काफ़ी टाइम तक आपका पेट फुल रहेगा। तो एक प्लेट सैलेड आपने खा ली है तकरीबन 1:30 बजे के करीब, उसके बाद 1:45 बजे या 2 बजे आप लंच कर सकते हो। लंच में एक कटोरी दही, सीजनल वेजिटेबल, एक चम्मच ऑयल में बनी हुई, बस उससे ज़्यादा ऑयल कंज्यूम नहीं करना है,
एंड दो रोटी आप ले सकते हो। रोटी अगर मल्टीग्रेन लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, नॉर्मल गेहूं की या फिर ज्वार या बाजरी की आप रोटी खा सकते हो, जो भी आपके घर में बनती है, ठीक है। अब कई लोग राइस खाना पसंद करते हैं, राइस से आप रोटी को रिप्लेस मत कीजिएगा। अगर राइस लेने हैं तो एक बाउल राइस खाइए और एक रोटी आपने ज़रूर खानी है, पहले रोटी खानी है फिर राइस खाने, क्योंकि नहीं तो राइस अगर पहले खाओगे आप तो वो बॉडी में बहुत ज़्यादा गैस और एसिडिटी होने का खतरा है और डाइजेशन जो है वो आपका ख़राब होने का खतरा है। पहले रोटी खाएंगे उसके बाद आप राइस खाएंगे, राइट। राइस एक बाउल यानी कि 100 ग्राम्स ऑफ राइस आप खा सकते हो पके हुए, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। ऐसा नहीं है प्लेट भर के राइस ले ली और साथ में रोटी भी ले ली, तो वो चीज़ मत करना। एक बाउल राइस, एक रोटी और सब्जी दही ये आप ले सकते हो, या फिर दो रोटी और सब्जी दही आप ले सकते हो। अब बात करते हैं शाम को 4-5 बजे जब छोटी छोटी भूख लगती है तो क्या खाना है। वेल, आप भुने चने अपने पास ज़रूर रखिए, भुने चने जब मर्जी आप खा सकते हो, 50-60 ग्राम भुने चने जब भी भूख लगे आप बीच में खा सकते हो। 2 खजूर आप खा सकते हो, 8-10 बादाम खा सकते हो, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप खा सकते हो शाम को 5-6 बजे। ग्रीन टी जरूर लेनी है शाम को 5-6 बजे। तो अगर आप ऑफिस से आके 5-6 बजे ये प्रोटीन ड्रिंक पी रहे हो तो आप साथ में कोई फ्रूट खा सकते हो, या फिर आप आधे घंटे बाद ग्रीन टी ले सकते हो और चने ले सकते हो, तो चॉइस आपके ऊपर है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे खा लीजिए। अब बढ़ते हैं डिनर की तरफ। डिनर में बस रोटी नहीं करनी है, ये मेरी छोटी सी एडवाइस समझ लीजिए, सजेशन समझ लीजिए, टिप समझ लीजिए। डिनर में रोटी और चावल बिल्कुल अवॉइड कीजिए, कार्ब्स अवॉइड कीजिए। तो फिर आप कहोगे कि भूख लगेगी तो खाना क्या है डिनर में। डिनर में आप एक बड़ा वाला बाउल भर के, सूप बाउल जो होता है, मूंग दाल या फिर कुल्थी की दाल खा सकते हो। मूंग दाल या फिर कुल्थी की दाल, ये दोनों दालें वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती हैं। दाल को तड़का नहीं लगाना है, बिना तड़के की उबली हुई दाल खानी है, ठीक है। या फिर आप वेजिटेबल सूप पी सकते हो एक बड़े वाला बाउल भर के, ब्रोकली, कैरेट, कैप्सिकम, यू नो, इन सब चीज़ों का आप सूप बना सकते हो। तो या तो एक बड़ी कटोरी आप कुल्थी की दाल या मूंग की दाल खा लीजिए, या फिर आप वेजिटेबल सूप पी लीजिए भर के, इससे पेट एकदम फुल हो जाएगा आपका और आपको ज़रूरत भी फील नहीं होगी कि रोटी नहीं खाई है, ऐसा कुछ फील नहीं होगा आपको। तो ये डाइट प्लान आपको फॉलो करना है। चीनी यानी कि वाइट शुगर नहीं खानी है। मीठा खाने की क्रेविंग होती है, कोई फ्रूट उठा के खा लीजिए घर में जो पड़ा है, या फिर खजूर खा लीजिए, चीनी नहीं खानी है। साथ ही साथ पानी आपको 2-3 लीटर ज़रूर पीना है पूरे दिन में, स्ट्रेस नहीं लेना है, और 8 घंटे की नींद आपने ज़रूर ज़रूर लेनी है। ये रिक्वायरमेंट्स हैं इस डाइट प्लान को फॉलो करने की। साथ ही साथ प्रोटीन सप्लीमेंट को आपने ज़रूर इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म के लिए फिट रहना चाहते हो तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से इस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ आधे घंटे की कोई भी एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। एज आई मेंशन्ड बिफोर कि 20% एक्सरसाइज यानी कि आधा घंटे की, चाहे तो आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, चाहे बैडमिंटन खेल सकते हैं, जिम में ट्रेडमिल पर जा सकते हैं, यू नो, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, या फिर आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जो आपको पसंद है। आधे घंटे की एक्सरसाइज आपने ज़रूर ज़रूर करनी है। जुम्बा पसंद है, डांस पसंद है तो आप डांस कर सकते हो। सिर्फ आधा घंटा अपने लिए निकालना है दिन में, और ये कोई बहुत मुश्किल प्लान नहीं है, बहुत इजी प्लान है और आसानी से इसे फॉलो किया जा सकता है, होल लाइफ फॉलो किया जा सकता है, आपका वेट कभी बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से इस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। 1 महीने में ही अगर आपको रिजल्ट्स ना मिले ना तो आप मुझे कुछ भी बोल देना आके। तो ये मील प्लान डेफिनेटली इफेक्टिव है एंड बहुत बहुत काम का है। फॉलो कीजिए इसको और अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को सच करके दिखाइए, अपना सपना सच करके दिखाइए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, थम्सअप का बटन अभी तक नहीं दबाया है तो अब तो दबाना बनता ही है। एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहाँ भी आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ। सब्सक्राइब का रेड बटन है नीचे, उसे जल्दी से दबा दो, ग्रे कर दो, और फिर एक बेल आइकन आएगा, घंटी का बटन आएगा, उसे भी आपने दबाना है और ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना है ताकि मेरे सारे अपलोड्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं मिलूंगी आपसे एक और अच्छी सी हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।